चंद्रमा पर भारत की झलक ठाकुर जी के श्रृंगार में झलकेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 7 सितंबर को मनेगी। जन्म स्थान रोशनी से जगमग होगा। जन्मोत्सव पर चंद्रयान 3 की सफलता का उत्सव होगा। श्री कृष्ण के 5250वें जन्मोत्सव पर ठाकुर जी इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के नामानुरूप सोमनाथ पुष्प बंगला में विराजमान होंगे। वैज्ञानिक यंत्र प्रज्ञान के नामानुरूप ठाकुर जी की पोशाक का नाम प्रज्ञान प्रभास दिया गया है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव सेवा संस्थान के सचिव के अनुसार जन्मोत्सव पर साथ सज्जा ठाकुर जी की पोशाक श्रृंगार नैनाभिराम होगा। श्री गर्भगृह के भीतरी और बाहरी भाग को कारागार का स्वरूप प्रदान होगा। प्रकाश का संयोजन गर्भगृह की भव्यता में वृद्धि करेगा। जन्म महाभिषेक का मुख्य कार्यक्रम रात 11 बजे श्री गणेश नवग्रह पूजन से आरंभ होगा। 108 कमल पुष्पों से ठाकुर जी का सहस्त्र अर्चन कर आवाहन होगा। रात 12 बजे भगवान के जन्म के साथ मंदिर परिसर में ढोल नगाड़े बज उठेंगे। केसर आदि सुगंधित द्रव्यों से लिपटे भगवान श्री कृष्ण के जल विग्रह को मूर्छासन में विराजमान कर अभिषेक स्थल पर लाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर ब्रज में आस्था की अविरल धारा बहती है। इस बार ब्रज में जन्मोत्सव 3 दिन मनाया जाएगा। प्राचीन मंदिर ठाकुर श्री केशोदेव में जन्मोत्सव 6 सितंबर को मनाया जाएगा। जिस दिन अष्टमी लगती है उसी दिन यहां जन्मोत्सव मनाया जाता है। सूर्य उदय में जन्माष्टमी होने पर श्री कृष्ण जन्म स्थान और अन्य मंदिरों में 7 सितंबर को जन्मोत्सव मनाया जाएगा। नंदगांव में 8 सितंबर को जन्मोत्सव का आनंद होगा। यहां गोपद गणना खुर गिनती से यह आयोजन होता है। रक्षाबंधन के 8वें दिन कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जाता है। प्रभात खबर.com